हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी सब्सटेंस का जब फेज चेंज होता है तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट या अनचेंज्ड क्यों रहता है। तो पहले देखो टर्म यूज हो रही है फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब जैसे कोई भी सब्सटेंस अगर हम कह दें फेज चेंज हो रहा है, मतलब वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था? इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म। कब? व्हेन यू आर दिस लिक्विड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड शुड ऑल्सो बी एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पर ध्यान रखिएगा, इधर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट या अनचेंज रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अब हम जो एडिशनल हीट सप्लाई कर रहे हैं, इट इज यूज टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो जो भी हम एडिशनल हीट सप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन थर्मोमीटर और टेम्परेचर में भी कोई इंक्रीज नहीं दिखता है। एंड दैट इज व्हाई हम इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। कि लेटेंट वर्ड का ही हमें मतलब पता है, हिडन होता है। तो अब हम कह रहे हैं 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यही एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। इसी अपरेटस में अगर मैं एक थर्मोमीटर लगा देती हूँ, मैंने एक थर्मोमीटर लगा दिया इसी अपरेटस में, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो थर्मोमीटर है इसकी रीडिंग में इंक्रीज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये एग्जाम में 1 mark का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम एडिशनल हीट सप्लाई कर रहे हैं इसका क्या हो रहा है? दिस एडिशनल हीट सप्लाई इज यूज टू ओवरकम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? बिटवीन पार्टिकल। ये पार्टिकल किसके हैं? ऑफ सब्सटेंस। और फ्रेंड्स, तो हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग या बॉइलिंग, इट रिमेन्स हिडन फ्रॉम अ थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर पर रिफ्लेक्ट नहीं होती है और हमें टेम्परेचर में राइज नहीं दिखता है, क्योंकि ये जो हीट है इट इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। और इस केस में आपका सब्सटेंस क्या है? इन दिस केस योर सब्सटेंस इज दिस लिक्विड।